आई एम वेरी एक्साइटेड, मैं आपके साथ शेयर जरूर करूंगी। और मेरे बाल एक तरह का कवर अप का काम कर लेते हैं, तो मैं आपको दिखाती हूँ, कैमरा जस्टिस नहीं कर रहा है। Back to the last vlog of 2019. लेकिन ये जो vlog है ये अगले साल में upload करने वाली हूँ। So आज का कुछ plan है, आज 31 December है। आज हमारा as such तो कुछ plan नहीं है, but हम लोगों ने सोचा है ऐसे ही थोड़ा सा पास में मुंबई के आसपास कहीं जाते हैं, कुछ एक्सप्लोर करते हैं नई जगह। सो वी आर गोइंग देयर फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम, देखते हैं कैसा एक्सपीरियंस रहता है। डेफिनेटली मैं आप लोगों को अपने साथ लेकर के चलूंगी। आई जस्ट टुक शावर राइट नाउ, अभी बज रहा है 12, तो हम लोग लंच करके जाएंगे बिकॉज वो जो जगह है वो ओपन ही 2 PM में होती है और रात को 4 बजे तक वो रहती है, मतलब 2 बजे से रात के 4 बजे तक वो रहती है, मतलब नेक्स्ट डे सुबह 4 बजे तक रहती है, तो ऐसा इनका टाइमिंग्स है। तो डेफिनेटली हम लोग लंच करके जाएंगे। एंड इस पहले कि आप लोग पूछे कि मेरा ये जो बाथरोब है ये मैंने कहाँ से लिया था, ये मैंने अपने वीडियो में बताया था, दिस इज फ्रॉम बिग बाजार, बहुत अफोर्डेबल है। अगर आपको ऐसा मिलता है ना तो डेफिनेटली आप परचेस करना। इसके पीछे बहुत क्यूट सा ऐसा हुडी भी दिया हुआ है, सो विच इज रियली क्यूट। और बस अभी मैं फटाक से रेडी होने वाली हूँ 5-10 मिनट्स बाद, और उसके बाद पहले लंच करूंगी डेफिनेटली, उसके बाद फिर मैं रेडी होंगी। पहले हैं आज लंच में बनाया है मेथी के पराठे और पनीर की सब्जी। तो जो पनीर की सब्जी है वो हम लोगों ने स्विगी करवाई है बिकॉज हम लोग बहुत लेट सो करके उठे थे और मेथी के पराठे तो बन गए बट सब्जी बनाने का टाइम नहीं था। स्विगी एंड जोमैटो, मतलब जितना इतना अच्छा ऐप बनाया ना इन लोगों ने, आपको कुछ नहीं बनाना होता है। तो हम लोग बहुत सारी बार ऐसा होता है कि हम लोग वेजिटेबल्स सब्जी जो होती है या दाल हो, दाल तो नहीं सब्जी मोस्टली हम लोग स्विगी करवा लेते हैं जब मन नहीं होता है बाहर, बिकॉज मुंबई में खाना खाने जाना भी इटसेल्फ अ वेरी बिग टास्क, बिकॉज यहाँ से कार निकालो, फिर ट्रैफिक में फंसे रहो, फिर वहाँ जाके पार्किंग ढूंढो, फिर ये करो वो, इतना हेक्टिक टास्क लगता है कि उसके लिए आपको ना मेंटली प्रिपेयर होना पड़ता है, आपकी भूख मर जाए। तो इसलिए हम लोग बहुत सारी बार ऐसा करते हैं कि मंगवा लेते हैं, घर पे ही मंगवा लेते हैं, नहीं जाने का मन होता है इतना वो सब रहता है। तो बस लंच करने के बाद विक्की एक्चुअली भी नीचे गया, हमारी कॉलोनी में भी एक्चुअली आज पार्टी है 31st की, मैंने कल के ब्लॉग में आपको ये चीज़ बताई थी, तो वो तो हम अटेंड नहीं कर रहे हैं। तो मैं जब रेडी होती हूँ तब मैं आप लोगों से मिलती हूँ, टिल देन। Hey guys, ये जो टॉप है ये मैंने पहना है, दिस इज फ्रॉम स्टॉक बाय लव, और ये जो स्कर्ट है दिस इज नॉट एग्जैक्टली अ स्कर्ट, मैं आपको दिखाती हूँ कि क्या है। सो ये बेसिकली डिवाइडर है, तो दिस इज लाइक अ शॉर्ट्स, पीछे से देखोगे तो आपको ये शॉर्ट्स लगेगा एंड आगे से देखोगे तो इट विल लुक लाइक अ स्कर्ट, और ये बहुत ज़्यादा शॉर्ट भी नहीं है तो आप कैजुअली इसको पहन सकते हैं, मतलब आपको कोई पर्टिकुलर ऐसे जगह डिसाइड करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सो दैट्स वाई आई एम वेयरिंग दिस। और ये वाला मेरे पास बहुत सारे, लाइक लिटरली ऑफ शोल्डर्स बहुत सारे टॉप है एंड मोस्टली आर फ्रॉम स्टॉक बाय लव, जो मैंने कोलैबोरेशंस किए थे तब मैंने काफ़ी सारे जो वन शोल्डर टॉप्स होते हैं, नॉट ऑफ शोल्डर सॉरी, इट्स वन शोल्डर टॉप्स, तो मेरे पास एक और पैटर्न का है, दो और हैं और सब ब्लैक एंड कलर है। सो आई लिटरली लाइक ब्लैक कलर, अगर मुझे कोई कलर समझ में नहीं आता है तो आई डेफिनेटली गो फॉर ब्लैक कलर। सो ये पहना हुआ है मैंने, और मुंबई में एज यूजुअल बहुत गर्मी है और हम जहाँ जाने वाले हैं वहाँ पर भी बहुत गर्मी होने वाली है, इसलिए मैंने ये कपड़े पहने हुए हैं। तो आई एम गोइंग यूज दिस एस्टी लॉडर डबल वेयर फाउंडेशन विद दिस रियल टेक्निक फाउंडेशन ब्रश, आई स्वेयर बाय दिस ब्रश। मेरे पास मैक का भी ब्रश है, फाउंडेशन ब्रश है, आई हैव PAC ब्रश एज वेल, मैक का ब्रश एज वेल, रियल टेक्निक ब्रश एज वेल। फाउंडेशन ब्रशेज मेरे पास काफ़ी सारे हैं और ये तीन ही यूजली मैं यूज़ करती हूँ, बट दिस इज लाइक एब्सोल्यूट फेवरेट। ये आप बहुत ही अच्छी फिनिश देता है आपके फेस पे, फाउंडेशन की फिनिश, ये बेस्ट फिनिशिंग फाउंडेशन ब्रश है। सो अगर आप सोच रहे हैं इन्वेस्ट करने का किसी फाउंडेशन ब्रश में, देन दिस इज द वन। तो मैं दो फाउंडेशन मिक्स करूंगी, एक तो ये एस्टी लॉडर वाला जो फाउंडेशन है ये मैं मिक्स करूंगी एंड साथ में कोई सा भी मैट फिनिश वाला फाउंडेशन मिक्स करूंगी, बिकॉज आई एम गोइंग टू द प्लेस जहाँ पर स्वेटी सा होने वाला है काफ़ी सारा। तो फॉर माई मैट फाउंडेशन आई एम गोइंग यूज दिस लॉरियल मैट मजीक, ये मैं थोड़ा सा इसमें मिक्स करने वाली हूँ। Spread all my foundation with the help of this finger and after that I'm gonna spray little bit of this MAC Fix and Prime spray, fixing spray on my foundation brush and then blend it. Thank you.
ओके सो फॉर माय लिपस्टिक मेरा आई मेकअप हो चुका है, बहुत सिंपल सा मैंने आई मेकअप किया है. एंड फॉर माय लिपस्टिक आई एम गोइंग टू यूज दिस वेलवेट लिपी बाय एब्सोल्यूट न्यूयॉर्क एंड देन दिस वन इज बाय वेट एंड वाइल्ड लिक्विड कैट सूट और आई एम इन द शेड गिव मी मौका. रेडी और मैं अपना ड्रेस आप लोगों को दिखाती हूँ. एक मिनट आप प्लीज कैमरा पकड़ेंगे अच्छे से. सो दिस इज माय ड्रेस, नीचे प्लीज थोड़ा सा टिल्ट. ओके एंड आई एम वेयरिंग दिस शूज और मैंने ये जैकेट डाल दिया है. रीजन बिहाइंड दैट इज क्योंकि हम फर्स्ट टाइम जा रहे हैं, अगर मुझे क्राउड थोड़ा अच्छा नहीं लगा, जेंट्री ठीक नहीं लगी, तो आई एम गोना वेयर दिस जैकेट ऑन दिस टॉप. ऑल्दो ये बहुत ऐसा अजीब टॉप नहीं है, इट लुक्स डिसेंट और मेरे बाल एक तरह का कवर अप का काम कर लेते हैं तो ऐसा कुछ दिखता भी नहीं है. तो अभी हम लोग जस्ट निकल रहे हैं वहाँ पर, विक्की जस्ट चेकिंग द लोकेशन एंड ऑल. और आज मेरा घर बहुत ही गंदा पूरा सब फैला हुआ है, जो जैसा है वो वहीं पर पड़ा हुआ है. बट अभी मैं कुछ कर नहीं रही हूँ, आकर के करूँगी, देखूँगी. कल न्यू ईयर है, कल सब क्लीन व्लीन करेंगे. सो अभी मैं निकलती हूँ और निकलने के बाद फिर आप लोगों से मिलती हूँ. निकल चुके हैं घर से और ये है विकी. विकी पहले कुछ और टी शर्ट पहना था जिसको मैंने चेंज करवाया है ब्लैक में. लुक एट द ट्रैफिक गाइस, ये आपको दिख रहा है उस रोड से और हमको उसी रोड पे आना है. इस वाली जो लेन है जहाँ हम जा रहे हैं और जो रिटर्निंग वाली लेन होने वाली है उसमें खतरनाक ट्रैफिक है. मतलब ऐसा ट्रैफिक है कि इंसान सोचेगा कि. तो इसलिए हम लोग जब भी मुंबई में चलते हैं ना तो हम दो पानी की बॉटल, कुछ चिप्स वगैरह या फिर बिस्किट वगैरह खाने का सामान जरूर रखते हैं, क्योंकि कोई भरोसा नहीं आप कहाँ पर कितने देर के लिए फंस जाओ और कब मेरी बेबी को भूख लगाए. पहुंचने वाले हैं अभी भी, स्टिल 7 किलोमीटर्स बता रहा है, मतलब अप्रॉक्सीमेटली 8 किलोमीटर्स वो बता रहा है. तो जैसे ही पहुंचते हैं हम लोगों ने कुछ चीज़ें पैक करवाई हैं लाइक मैगी. हम लोग यूजुअली बहुत टाइम से हमने ये जंक वगैरह खाना बंद कर दिया है बट अभी कुछ था नहीं ऑप्शन और हम लोगों को ऐसा कुछ हैंडी सा चाहिए था तो हम लोगों ने वंस इन अ व्हाइल यू नो चलता है काफ़ी, हम ऑलरेडी काफ़ी सारा हम कंट्रोल कर चुके हैं वैसे तो. बट ठीक है अभी हमने मैगी लिया है और इवन वेफर्स लिया है, सब जंक ही लिया है. मतलब अभी कभी कभी खाने का मन करता है और आज हमने सोचा ही था इवन हम रात में भी आज जंक ही खाने वाले, हम प्रॉपर खाना नहीं खाएंगे. हमको जो खाना खाना था वो हमने सुबह खा लिया है, अब रात में भी हम पार्टी करेंगे हमारी पर्सनल. सो यही हमने सोचा है और यहाँ भी मुझे लग रहा है कि काफ़ी ट्रैफिक होने वाला है. मैं जगह का नाम आपको बताती हूँ वहाँ पर पहुँचने के बाद कि मैं कहाँ गई हूँ, कौन सी जगह गई हूँ, बिकॉज मैं भी फर्स्ट टाइम गई हूँ. मैं अपना प्रॉपर आपको रिव्यू भी दूंगी एंड जस्ट पहुँचने वाले हैं, जैसे ही पहुँचते हैं मैं आपको दिखाती हूँ कि कहाँ आए हम लोग. डेस्टिनेशन पे एंड इट एग्जैक्टली लुक लाइक्स गोवा और ये है मुंबई का सीक्रेट बीच और हम लोग आए हैं उट्टन बीच विच इज इन गोराई. मैं आपको दिखाती हूँ, कैमरा जस्टिस नहीं कर रहा है. अगर आप मुंबई में रहते हो ना डेफिनेटली डू कम हियर, इट्स वेरी 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 ब्यूटिफुल, इट लुक्स लाइक एग्जैक्टली गोवा. गोवा के जो दो तीन बीचेज है जिसमें मैं जाना पसंद करती हूँ बिल्कुल वैसे ही लग रहा है ये. तो अब हम यहाँ पर आराम से अपने फ्रेंड्स को लेकर के आकर के टाइम स्पेंड करेंगे बिकॉज आई थिंक यहाँ पर वाटर एक्टिविटीज़ भी नहीं होती, दिख नहीं रही है मुझे.
पानी क्लीन है पर बहुत ज़्यादा क्लीन नहीं है, नॉर्मल जैसे बीचेस में होता है वैसे ही है। मतलब दूर से तो क्लीन लग रहा था, मुझे ब्लू लग रहा था, बट इट्स नॉट दैट क्लीन कि आप यहाँ पर ठीक है मस्ती वस्ती करने के लिए आ सकते हैं। जा रहे हैं उस वाली लोकेशन पे। हाँ, बेसिकली कैफ़े सेरीन हम लोग वहाँ के लिए आए थे, काफ़ी फेमस कैफ़े है यहाँ का। तो गलती हम लोगों से ये हो गई कि निकलने से पहले हम लोगों ने कॉल करके उनसे ये नहीं पूछा, हमने गूगल पे टाइमिंग्स देख लिया था, तो टाइमिंग्स था 2 बजे से लेकर के रात के सुबह के 4 बजे तक। बट आज स्पेसिफिकली बिकॉज टुडे इज 31st, तो वो बंद है और रात में 8 बजे स्टार्ट होगा, वो भी प्री बुकिंग्स है एंड 7,000 पर कपल एंट्री फीस है। 8 बजे तक हम रुकने भी नहीं वाले हैं यहाँ पर, हमारी कोई प्री बुकिंग्स नहीं है। अब हम यहाँ पे सिर्फ घूम रहे हैं, कुछ कैफ़े वैफे में जा नहीं पा रहे हैं, सिर्फ एक ही कैफ़े है यहाँ पर और कुछ खाने की जगह नहीं है। छोटे मोटे आपको स्टॉल्स मिल जाएंगे लाइक चिप्स विप्स के पे, तो मैं अभी ज़रा आराम से चलती हूँ बिकॉज़ यहाँ पर थोड़ा ऊपर नीचे है। अब हम निकल रहे हैं वापस से, मेरा मन था यहाँ पर और रुकने को, और क्योंकि यहाँ से जाने में भी 1.5 घंटा लगेगा एंड द प्रॉब्लम इज अभी 8 बजे वाला जो क्राउड आने वाला है वो डेफिनेटली 1-1.5 घंटे पहले आ जाएगा यहाँ पे। और ये जो लेन है ना, ये एक छोटे से टाउन को क्रॉस करती हुई जाती है, जो जिस रोड पे हम लोग जिस रूट पे हम आए वो इतना छोटी रोड से है कि मतलब हमारी कार भी बड़ी मुश्किल से उस रोड पे से निकली है, तो अगर वो ट्रैफिक आना जाना स्टार्ट हो जाएगा ना तो फंस जाएंगे यहाँ पर, तो इसलिए हम लोग निकल रहे हैं टाइम से। ऐसा विक्की का रीज़न था जो कि मुझे थोड़ा जेन्युइन लगा, इसलिए मैं रेडी हो गई निकलने के लिए। तो अब निकलने के बाद देखते हैं हम लोग क्या करने वाले हैं। सो यस, हे गाइस, सो वी आर बैक फाइनली। हम लोगों को लग गया 2 घंटे लग गए वहाँ से यहाँ आने में, और रिव्यू ये है कि घूमने के लिए अच्छी जगह है, थोड़ी सी गंदगी थी वहाँ पर भी, बट ठीक है, अच्छा लग रहा था, ओवरऑल अच्छा लगा मुझे वो बीच। मतलब कंपैरेटिवली अगर मैं बाकी बीचेस से कंपेयर करूँ, मैं सारे बीचेस तो गई नहीं हूँ मुंबई के, बट जिन में गई हूँ उनसे काफ़ी ज़्यादा ये क्लीन था। विकी की एक नींद पूरी हो गई है, आपको भी गाने सुनाई दे रहे होंगे, तो मेरे जस्ट बिल्डिंग के नीचे ही प्रोग्राम हो रहा है और हम लोग जा रहे हैं, हमारे जिस घर के पास में मॉल है तो वॉकिंग बाय वॉक करते हुए जाएंगे, बिल्कुल साइड में ही है, तो वहाँ पर जा करके कुछ खाने वाले हैं। और आज मुझे बहुत सारी चीज़ें मैंने मंगवाई है, तो बिकॉज ईयर का एंड हो रहा था और काफ़ी अच्छी सेल चल रही थी, तो मैंने फॉरएवर 21 के 2-3 4 टॉप्स मंगवाए हैं, बहुत अच्छे हैं, बहुत लूज पैटर्न वाले हैं, तो इन सबका मैं इकट्ठा अपने बर्थडे मंथ में हॉल बनाऊंगी, जितनी भी चीज़ें मैंने शॉपिंग करी है फॉर बर्थडे पर्पस। और अभी हम लोग निकल रहे हैं, वही ड्रेस मैं पहनी हुई हूँ, और वहाँ से खा करके आते हैं, फिर मैं आप लोगों से मिलती हूँ। हमारा वही पेटेंट चीज़ें खाते हैं हम लोग, सिज़लर खाने वाले हैं जो हम हमेशा खाते हैं वहाँ पर, तो वहीं पर जाकर के वो खाने वाले हैं। एंड आई थिंक आपको आवाज़ मेरी आ नहीं रही होगी बिकॉज गाने की आवाज़ बहुत आ रही है, क्योंकि मुझे बहुत गाने की आवाज़ आ रही है, तो मैं आप लोगों से मिलती हूँ थोड़ी देर में। वहाँ पर
ऊपर भी इतना डिकचिक 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 डिकचिक, मतलब अभी ना हम लोग पता नहीं हम लोगों को ऐसा फील होता है कि हम लोग बूढ़े हो गए, ऐसे बिहेव करने लग गए. बिकॉज विक्की को भी, विक्की तो था ही ऐसा शुरू से, या तो विक्की के साथ रह रहे कि मैं भी वैसी हो गई. मतलब अब मुझे ना ये इतना लाउड म्यूजिक और ये सब एक पॉइंट के बाद मुझे बहुत इरिटेटिंग सा लगने लगता है. मतलब एक घंटा दो घंटा ज़्यादा से ज़्यादा उसके बाद मैं झेल ही नहीं पाती हूँ. मतलब हम लोग पब वब तो वैसे ही नहीं जाते हैं, और पार्टी मैं पहले करती थी अपने फ्रेंड्स लोगों के साथ बहुत इन हाउस पार्टी. मैंने शादी के बाद भी इनफैक्ट की है, अभी भी मैं जाती हूँ भोपाल, और अगर मेरे किसी फ्रेंड के इन हाउस पार्टी हो रही होती तो मैं जाती हूँ. बट ये बहुत लाउड म्यूजिक में ना मेरा सर घूमने लगता है, मतलब मज़ा नहीं आता. हम लोग ऐसा थे शांति से बैठ करके कुछ सीरीज देखो, कुछ अच्छा खाओ, इन्जॉय करो, ऐसे टाइम गेम्स खेलो. यही सीरीज लगा लेते हैं, हम लोग सीरीज देखेंगे. हाउ वी आर एंजॉयिंग अवर न्यू ईयर, और दैट्स इट. एक्चुअली हमारा जो एक कपल फ्रेंड है उन लोगों के साथ हमारा प्लान था कि इस न्यू ईयर पे हम लोग कुछ करेंगे, बट द थिंग इज कि वो लोग गोवा निकल गए. सो नेक्स्ट ईयर कुछ करते हैं गोवा. उन्होंने हमको भी बोला था गोवा चलने के लिए, बट अभी ट्रैवलिंग तो मैं कुछ करना ही नहीं चाहती थी बिकॉज बहुत एग्जॉस्ट हो जाती. मैं अभी इतना ट्रैवल करके थक चुकी हूँ. सो आई वॉज लाइक कि अभी तुम लोग जाओ, तुम लोग इन्जॉय करो, अपन बाद में चलते हैं साथ में. तो अब मैं आप लोगों से मिलती हूँ थोड़ी देर में. टिल देन हाय गाइस, हैप्पी न्यू ईयर. आज है न्यू ईयर की मॉर्निंग, और अभी जस्ट मैं थोड़ी देर पहले सो करके उठी हूँ, एंड बिकॉज रात में हम लोग बहुत लेट सोए थे. वेरी वेरी हैप्पी न्यू ईयर टू यू एंड योर फैमिली. आई विश दिस न्यू ईयर ब्रिंग्स लॉट्स ऑफ हैप्पीनेस, पॉजिटिविटी, पीस, सक्सेस इन योर लाइफ. मोस्ट इंपॉर्टेंट तो हैप्पीनेस है और पीस है, माइंड का पीस और हैप्पीनेस है, तो बाकी सब तो ऑटोमेटिकली आ जाता है. सो येस, एंड कुछ न्यू रेजोल्यूशंस हैं इस बार के भी मेरे. सो अभी बस बैठ करके मैं अपना जो प्लानर है वो फिल इन करूँगी, नया वाला जो प्लानर है जो मैंने खरीदा है. आई एम वेरी एक्साइटेड, मैं आपके साथ शेयर ज़रूर करूँगी, शूट ज़रूर करूँगी कि मैं क्या क्या और कैसे कैसे उसको फिल इन कर रही हूँ. सो स्टे ट्यून फॉर दैट, एंड मैं आप लोगों से मिलती हूँ थोड़ी देर में. टिल देन, और यही था मेरा आज का वीडियो. आप मुझे ज़रूर कमेंट करके बताना कि आप लोगों का न्यू ईयर कैसा रहा, आपके क्या गोल्स हैं, क्या आप सोच रहे हो 2020 के लिए, एंड कैसे आपने न्यू ईयर सेलिब्रेट किया, अपनी फैमिली के साथ किया, अकेले किया, फ्रेंड्स के साथ किया, घर पे बैठ के किया, कैसे किया मुझे बताना ज़रूर. एंड दैट्स इट फॉर माई वीडियो. आई होप यू लाइक माई वीडियो. इफ यू डू सो देन डू नॉट फॉरगेट टू हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड कॉमेंट डाउन बिलो. मैं मिलती हूँ आपको मेरे नेक्स्ट वीडियो में. टिल देन बाय.